हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम राजस्थान बोर्ड से संबंधित या स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड से संबंधित बेसिक न्यूमेरिकल हम करेंगे कूलम्स लॉ के, और इससे अगली वाली वीडियो में हम कुछ एडवांस न्यूमेरिकल लेके आएंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड। लेकिन इस वीडियो में एकदम बेसिक्स क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन बल आरोपित करते हैं। समान परिमाण मतलब एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू है, जो कि एक दूसरे पर 2 न्यूटन बल आरोपित करते हैं। अब दूरी नहीं दी उनके बीच की, कुछ भी दूरी हो सकती है, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम करने पर, ये दोनों के बीच की दूरी नहीं है ध्यान रखना, जो एक्चुअल में जितनी दूरी है उसमें से जैसे इतनी दूरी पे हैं तो थोड़ी सी दूरी कितनी कम कर दी, 0.5 मीटर कम करने पर। अब दूरी कम करेंगे तो बल बढ़ेगा, उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। दूरी जैसे ही कम हुई बल थोड़ा सा बढ़ गया, और 2 न्यूटन से बढ़ के कितना हो गया, 18 न्यूटन। तो आवेशों की प्रारंभिक दूरी एवं आवेशों का परिमाण ज्ञात करो। आवेशों का परिमाण कितना है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है दोनों का समान है और दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो देखो एकदम सरल सवाल है, सबसे पहले जो जो कंडीशन इसमें दे रखी है वो करो सॉल्व। इसमें दो कंडीशन है, ऐसा मान लेते हैं, माना कि दो आवेश हैं, एक आवेश है, दोनों आवेश समान है, तो ये क्यू है तो दूसरा आवेश भी कितना है, क्यू, दोनों क्यू आवेश हैं। दोनों के बीच की दूरी कुछ दे नहीं रखी, हम आर मान लेते हैं, ये पहली कंडीशन है सवाल की, आर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ बराबर 2 न्यूटन। तो कूलम्स लॉ से फॉर्मूला क्या है बल का, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन का मान क्यू, क्यू टू का मान भी कितना क्यू, अपॉन में आर स्क्वायर, और बराबर कितना है 2 न्यूटन। तो यहाँ से हम लिख देते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 2। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये सवाल यहाँ तक पढ़ा, केवल आरोपित करते हैं। अब आगे सवाल में जो कंडीशन दी है उस हिसाब से देखो, अब यहाँ पर लिख देना दूरी कम करने पर, दूरी कम करने पर जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कम करेंगे तो देखो, एक तो आवेश है Q और दूसरा भी आवेश Q, दोनों समान है, बीच की दूरी अभी पहले r थी, इसमें से कितना कम कर दो 0.5 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी r माइनस 0.5 मीटर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस बची। अब इनके बीच में जो फोर्स है ना, F बराबर कितना है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन अब फोर्स लग रहा है। तो फॉर्मूला लगाओ कूलम्स लॉ से, F बराबर कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर की जगह पर आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बराबर कितना 18, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर डाल दो 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो हमको चाहिए क्या, एक तो क्यू का मान और एक आर का मान, दो अचर ऐसे हैं जिनका मान हमको, सॉरी दो चर ऐसे हैं जिनका मान हमको निकालना है। दो चर का मान निकालना है तो कम से कम 2 समीकरण चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास हैं। एक काम करो, समीकरण 1 में 2 का या 2 में 1 का, जैसे भी तुम्हारी सुविधा हो उस हिसाब से भाग लगा लें। तो मैं लगा रहा हूँ समीकरण 2 में भाग समीकरण 1 का, कैसे भी लगा सकते हो जैसे तुम चाहो, समीकरण 2 में 1 का भाग लगा रहा हूँ। तो समीकरण 2 क्या है, 18 बटे इसमें कितना है 2 बराबर, इसमें ऊपर की ओर क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, और इसके पूरे के बटे में यह आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कट जाएगा और ये क्या आएगा 9 बराबर। देखो ये नीचे और ये आ जाएगा ऊपर, क्या आया आर स्क्वायर अपॉन में आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बराबर,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगले स्टेप में लिख देता हूं, देखो इधर लिख देता हूं मैं 3 का स्क्वायर बराबर आर बटे आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं। अब वर्गमूल लेने पर रूट ले रहा हूं मैं इसका, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेते हैं तो क्या आएगा, आर बटे आर माइनस 0.5 बराबर प्लस माइनस 3। ध्यान रखें प्लस माइनस लेना है हमको, हालांकि यहाँ केवल प्लस लोगे और सवाल कर दोगे तो सही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी लेना है क्योंकि मेथड तो पूरा वही है। अब देखो इस सवाल को अब सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर बराबर इसका 3 से गुणा करेंगे 3R माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो अच्छा इसमें एक काम करो, एक बार तो प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, तो पहले मैं कर रहा हूँ प्लस लेने पर क्या आंसर आएगा, प्लस लेंगे तो R बराबर प्लस, यहाँ पर प्लस लिया है मैंने तो ये जा इधर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3R माइनस 1.5। देखो 1.5 कैसे आया, 0.5 का इंटू करेंगे 3 से तो 1.5 आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि भाई ये माइनस आ गया तो माइनस कैसे आ गया, हमने प्लस लिया था, प्लस यहाँ पे लेना है, जब यहाँ पे प्लस लोगे तो तब भी तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -2R = -1.5 और इसको सॉल्व किया R = 0.75 मीटर, मतलब आवेशों के बीच में पहले कितनी दूरी थी 0.5। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगा लेते हैं जिससे कि माइनस वाले में दिक्कत नहीं आए, पहले दूरी कितनी थी 0.5 मतलब 0.25 मीटर, अब उसमें से आधा मीटर कम कर दी तो लास्ट में कितनी बची 0.25 मीटर ही तो बची बाद में। अब माइनस लेने पे देखो क्या आता है, माइनस लेने पर जब हम माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर इसका मल्टीप्लाई से किया, अब आर बराबर 3R माइनस 3R और प्लस, देखो -3 है -3R और प्लस 1.5। यहाँ से देखो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 4R = 1.5 R = 1.5/4 और R बराबर 1. इससे इसको डिवाइड करो तो देखो ये आ जाएगा लगभग 0.37, 5 आएगा लेकिन अभी इतना ही 0.37 ले लेते हैं इसको, इतने मीटर। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग की डिस्टेंस आधे मीटर से कम हो सकती है क्या? आंसर दो आ गए हमारे पास, एक इतना और एक इतना, अब दो आंसर में से एक तो गलत होगा। क्या स्टार्टिंग की डिस्टेंस आधा मीटर से कम हो सकती है? नहीं हो सकती, अगर क्योंकि आधा मीटर तो जितनी थी उसमें से कम ही कर दी हमने, तो ये आधा मीटर से ज़्यादा होगी तभी तो कम होगी, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा गलत है और ये वाला आंसर कैसा है, सही। दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन ये है कि दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए, दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं, साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई, तो प्रत्येक गोले पर आवेश की गणना करो, ये हमारा सवाल था, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो भी ऐसे शब्द में बता देता हूं, देखो दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक 200 ग्राम है, उभयनिष्ठ बिंदु का क्या मतलब है कि देखो दो गोले हैं, दोनों गोलों को दो धागों की सहायता से, एक धागे दोनों एक ही बिंदु पर टच हैं, उनसे ऐसे लटकाया गया है। अब लटकाया तो सीधा ही गया है लेकिन उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, समान आवेश दोनों पर है, प्रतिकर्षण होगा तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगे और ऐसे दूर हटके रुक जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है इसने कि दोनों गोलों पर आवेश कितना था। तो देखो सवाल को मैं मान लेता हूँ ये कोई दृढ़ आधार है, कोई रिजिड बेस है,
यहाँ पे उनको लटकाया गया है, तो हम जनरली क्या है सीधे ही लटकाएंगे दोनों को एक ही जगह पे सीधे ही, लेकिन दो गोले ऐसे लटकाए तो इन पे समान आवेश से प्रतिकर्षण होगा, दूर हट जाएंगे, और ये जैसे ही दूर हटेंगे तो कुछ ना कुछ कोण बना लेंगे। ये देखो यहाँ से प्रतिकर्षण द्वारा ऐसे इतनी दूरी पे ये आ जाते हैं, ये सेंटर वाली लाइन है जहाँ पे होने चाहिए थे लेकिन प्रतिकर्षण की वजह से नहीं है वहाँ पे। एक गोला ये रहा और दूसरा गोला ये रहा, ठीक है, ये दोनों गोले हैं। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ, देखो ये दोनों के बीच में जो कोण है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा क्योंकि दोनों पे आवेश समान है, इसलिए आवेश अलग अलग होता तो अलग अलग कंडीशन है, वो एडवांस क्वेश्चन हम मैं तुमको करवाऊंगा अगली वीडियो में। इस तरीके से दोनों समान कोण बनाते हुए दूसरा यहां पे आ जाएगा। अब देखो इन दोनों के सेंटर को मिला लेते हैं, ये इनको मिलाने वाली रेखा है, तो ये एक दूसरे प्रतिकर्षण लगाएंगे, इस पर प्रतिकर्षण इधर लगेगा और इस पर प्रतिकर्षण इधर लगेगा, ऐसे प्रतिकर्षण बल लगेंगे, दोनों पे समान आवेश है तो इस पे यदि आवेश Q है तो इस पे भी आवेश कितना होगा Q, दोनों पे या तो प्लस या दोनों पे माइनस, क्योंकि सवाल लिखा हुआ दो बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, उभयनिष्ठ बिंदु से कुचालक धागों से लटकाए गए हैं, लटकाए गए दोनों गोलों समान रूप से आवेशित हैं, साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक गोले का आवेश ज्ञात करो। देखो इसकी जो रस्सी की या धागे की लंबाई कितनी है, इनका द्रव्यमान 200 ग्राम है, तो इन दोनों पे जो भार होगा ना, चलो इधर वाले गोले का विश्लेषण कर देते हैं, इसका जो भार होगा ना वो कितना होगा W = mg, भार कितना होगा W = mg, द्रव्यमान है 200 ग्राम तो भार कितना आ जाएगा W = mg, m कितना है 200 ग्राम और इसमें जी का गुणा करो, पहले इसको किलोग्राम में बदलो, किलोग्राम बदलेंगे तो कितना आएगा 0.2 और इंटू 10 से करेंगे तो 2 न्यूटन, भार कितना आ गया 2 न्यूटन, इस पर भार आ गया। और इस रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, रस्सी की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है रस्सी की लंबाई, 40 सेंटीमीटर इसकी 4 है टोटल, 4 है तो 2 और 2 आधी आधी हो जाएगी लंबाई, टोटल 4 है तो 2 और 2 ऐसे हो जाएगी। साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो दोनों गोलों पर आवेश की गणना करो। देखो इस पर लगने वाला विद्युत बल माना कि F है, दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना है F, इधर भी F तो इधर भी F। अब केवल एक गोले का विश्लेषण कर लो, यहां पे देखो इस पे बल F, इस पे 2 न्यूटन, अब इस पे ऊपर की ओर जो तनाव होगा ना वो टी होगा, इस पर टेंशन टी होगी, टेंशन फोर्स या तनाव बल टी होगा, माना कि इस पर टेंशन कितनी है टी, और ये दोनों के दोनों समान कोण पर होंगे, दोनों कोण थीटा मान लिया। अब मैं इसको ऊपर बढ़ा लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, जेड शेप बन रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये थीटा है तो इधर वाला कितना 90 - थीटा, इधर वाला 90, ये 90 और ये भी 90। चलो यहाँ पे इसका विश्लेषण शुरू करते हैं, इस वाले गोले के लिए मैं लगा रहा हूँ, इनके नाम चाहो तो ए और बी दे देना, ए और बी दो गोले हैं, ठीक है, बी गोले के लिए, बी गोले के लिए, बी गोले के लिए देखो सबसे पहले इस टी के घटक करो, टी के घटक करेंगे तो घटक करना तुमको आना चाहिए, अगर मान के चलो इस तरीके से कोई फोर्स है एफ या टी मान लो और ये वाला एंगल है थीटा, तो ध्यान रखें इधर भी घटक में टी आएगा इधर भी टी, जिधर थीटा है उधर तो लिख दो कॉस थीटा और जिधर थीटा नहीं है उधर लिख दो साइन थीटा, तो इस हिसाब से यहाँ पे घटक करो, टी का घटक इधर कितना आएगा टी कॉस थीटा और टी का घटक पीछे की ओर, भाई 90 डिग्री पे घटक कर रहे हैं ना, तो ये हमेशा दोनों घटकों के बीच में होता है, तो एक घटक ये हो गया, दूसरा घटक कितना आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये कह रहा है संतुलन अवस्था में है, संतुलन का प्रतिबंध ये होता है कि उस पर लगने वाला नेट बल 0 होना चाहिए संतुलन के लिए, तो देखो संतुलन के लिए संतुलन अवस्था में नेट फोर्स 0 होता है और नेट फोर्स 0 होगा
ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पर ये चार फोर्स, अब जिसके घटक हो गए उसका काम खत्म, ये दो भागों में टूट गया। तो ऊपर नीचे वाले फोर्स अगर सेम हो और इधर वाले फोर्स सेम हो तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये कंडीशन लगा दो। तो संतुलन अवस्था के लिए टी कॉस थीटा बराबर ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, नीचे वाला कितना है एम जी लिख देता हूँ मैं, चलो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ एम जी, इक्वेशन नंबर वन। और दाएं बाएं वाले दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो इधर कितना टी साइन थीटा बराबर में कितना आ जाएगा एफ, और एफ का मान कितना है, एफ का मान निकाल लेते हैं, एफ का फॉर्मूला होता है, एफ क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल, फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अगर दोनों के बीच की दूरी आर है तो आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी आर बराबर चार सेंटीमीटर है। इक्वेशन नंबर टू, सेंटीमीटर को बाद में मीटर में कन्वर्ट करके एक साथ लिख देंगे। अब हमको क्यू निकालना है, क्या हमको टी निकालना है सवाल में, नहीं निकालना, टी नहीं निकालना ना, तो सबसे पहले टी को गायब करो। टी गायब कब होगा, क्योंकि अगर इसको गायब नहीं करेंगे तो ये बना रहेगा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो समीकरण दो भाग एक से, समीकरण दो में एक का भाग लगा दो, क्या आ जाएगा टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में एम जी। टी से टी कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी आर स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा देखो इस सवाल में, अब अगर हम टेन थीटा निकालें, तो टेन थीटा क्या होता है, इस त्रिभुज के अंदर टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है दो, कर्ण कितना है सॉरी लंब बटे आधार, लंब में दो और आधार ये है, ये हमको अभी पता नहीं है, हालांकि निकल जाएगा, ये वाली 40 है और ये वाली कितनी है दो, तो 40 का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस चार, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका मैं दूसरा तुमको आसान तरीका बताता हूँ फालतू की कैलकुलेशन से बचने के लिए। यहाँ थीटा नगण्य है, यहाँ थीटा नगण्य है, कैसे पता चला भाई थीटा नगण्य है, टेन का मान कम होने पर, टेन का मान अगर कम आता है तो थीटा भी कम आएगा, टेन का मान अगर कम आता है तो थीटा कम आएगा, कैसे देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है दो, आधार कितना अंडर रूट 1600 माइनस चार। तो सोच के देखो ये बहुत कम मान है, क्योंकि दो में भाग लगाना इसका तो बहुत छोटी संख्या है, और जब ये बहुत छोटी संख्या है तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान भी कैसा होगा, कम, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है टेन का मान भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे थीटा नगण्य है, हमको ऐसे पता चल गया है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, थीटा नगण्य हो तो टेन थीटा की जगह सिर्फ हम लिख सकते हैं थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी आर स्क्वायर, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। ऐसा करने से फायदा हुआ क्या, एक तो हमको पता चल गया थीटा नगण्य है और थीटा का मान हमने ये निकाल लिया इनके पदों में। अब देखो त्रिभुज से, त्रिभुज का नाम अगर तुम देना चाहो तो कोई नाम दे देना, मैं ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है राइट ट्रायंगल, इसमें मैं साइन थीटा निकालता हूँ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब और कर्ण हमको इजीली दे रखे हैं, लंब कितना है थीटा के सामने वाला दो, कर्ण कितना है ये वाली भुजा कितनी है पूरी 40, तो लंब बटे कर्ण मतलब 2/40, इसको काट देंगे तो 1/20। थीटा नगण्य है तो साइन थीटा की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा, और बराबर में 1/20। तो यहाँ से हमको देखो साइन थीटा का मान, थीटा का मान पता चल गया 1/20, इसमें थीटा का मान लिख दो तो क्या आ जाएगा 1/20 बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी आर स्क्वायर। हमको क्यू निकालना है, क्यों निकालना है तो क्यू स्क्वायर बराबर देखो क्या आ जाएगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन में के, बोलो यही आएगा क्या, के नहीं आएगा, इसमें 20 का गुणा होगा 20 के, और Q बराबर कितना पूरा अंडर रूट में आ जाएगा एम
जी आर स्क्वायर अपॉन में 20 इंटू के। क्यू बराबर, देखो m का मान कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल लो, 0.2 किलोग्राम, यहां पे 0.2 लिख दो, यहां पे 10 लिख दो। r स्क्वायर, r कितना है पूरा 4, ये वाली डिस्टेंस पूरी कितनी थी r, r का मान है 4, तो यहां पे 4 का स्क्वायर लिख देना 16, 20, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये सभी की सभी हम वैल्यू लिखेंगे और इनको लिखने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा और इसका आंसर आया है 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। इसको सॉल्व कर लें और आंसर निकल आएगा इसका। सवाल यहीं पे ख़त्म होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करके इसको लिखें। देखो अब यदि इस सवाल में ये और पूछ ले, वो इस सवाल में ये और पूछ ले कि इन दोनों रस्सियों में कितना तनाव उत्पन्न होगा, इन रस्सियों में टेंशन कितनी होगी, तनाव कितना होगा, ये पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। जैसे ही तुम इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, ये हट ही जाएगा, यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर एम जी का होल स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर करके क्यू का मान हमको पता चल ही गया, वहां पर लिख देंगे, टेंशन निकल जाएगी। तो ये तुमको खुद करना है, तनाव तुमको खुद निकालना है कि रस्सी में कितना तनाव होगा। अगला सवाल देखें, धातु के दो गोले हैं ए तथा बी, इनके बीच में 0.72 न्यूटन प्रतिकर्षण बल क्रियाशील है, ये 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। अब उदासीन गोला सी लेकर पहले इसे ए से फिर इसे बी से स्पर्श कराते हैं, तो स्पर्श के पश्चात ए तथा बी, स्पर्श के पश्चात ए तथा बी के मध्य 0.63 न्यूटन प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है, ए तथा बी पर प्रारंभिक आवेश की गणना करो। सवाल ये है, अच्छे से समझो, दो स्टेप में इसको हल करते हैं। स्टेप फर्स्ट, वन स्टेप समझ लो और सेकेंड स्टेप फिर समझाता हूँ। स्टेप वन, देखो दोनों बार प्रतिकर्षण बल लग रहा है, पहले भी और बाद में भी, इसका मतलब ये हुआ प्रारंभ में और स्पर्श कराने के बाद दोनों पे समान प्रकृति का आवेश है। प्रतिकर्षण तभी होता है जब दोनों पे या तो प्लस हो या दोनों पे माइनस हो। और ध्यान रखें, अगर यहाँ पे आकर्षण प्रतिकर्षण की जगह आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है रिपल्सन की जगह पे, तो हम ऐसी स्थिति में नेगेटिव चिन्ह ले सकते थे। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव, तभी आकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पे या तो दोनों पॉजिटिव ही हैं या नेगेटिव ही हैं, कोई सी स्थिति में अलग चार्ज नहीं हुआ है। स्टेप फर्स्ट, देखो दो गोले तथा बी पर इतना बल लग रहा है, 1 मीटर दूरी पर रखे हैं, एक गोला ए है और दूसरा गोला है बी, ए एंड बी, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और इन दोनों पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है ना, वो एफ वन मान लेता हूं मैं। एफ वन बराबर कितना है, 0.72 न्यूटन। फॉर्मूला लगा दो इनके बीच में कूलम्स बल का, एफ वन बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो इस पे जो आवेश है ना उसको मैंने क्यू वन मान लिया है, इस पे जो आवेश है उसको मान लिया है क्यू टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, के का मान अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट लिखा रहने दो। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे के का मान लिख दो, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, वन का स्क्वायर बराबर 0.72, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई, क्यू वन इंटू क्यू टू बराबर, क्यू वन इंटू क्यू टू बराबर 0.72 अपॉन में 9 × 10⁹। ये इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे सामने है, क्यू वन इंटू क्यू टू बराबर, देखो इसको 9 से काट लो, 9 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 0.8 इंटू
10 की पावर माइनस 9, ये 0.08 आएगा, 0.08, यानी कि Q1 इंटू Q2 बराबर आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये Q1 Q2 का मान आ गया। ठीक है, अब देखो स्टेप सेकंड पे आते हैं। स्टेप सेकंड को अच्छे से समझना। पहले तो क्या है, जो ए गोला है ना जिस पर क्यू बना आवेश है, उसके पास उससे लाके उदासीन गोला मतलब है जिस पर चार्ज क्या हो, नेट चार्ज 0, उसको लाके टच कराया ए से, तो ए पे और सी पे जो चार्ज है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ए के पास जब हम सी को लाए, ये तो ए है, इसके पास में सी को लाए पहले स्टेप सेकंड में, पहली चीज़ ये है कि ए के पास हम सी को लाते हैं, सी पे नेट चार्ज 0, इस पे Q1, तो दोनों पे आधा आधा हो जाएगा। तो इस पे तो है Q1, इस पे 0, जब इस पे बाद में नेट चार्ज निकालेंगे अलग अलग करने के बाद, तो जैसे ही अलग अलग होंगे तो ए पे और सी पे वापस कितना कितना आ जाएगा, ए और सी Q1 बाई 2। कैसे निकाला भाई, नेट चार्ज टोटल कितना है, Q1 प्लस 0 बटे 2, आधा आधा हो जाएगा, तो Q1 बाई 2। अब क्या कह रहा है वो सवाल, कि पहले A से टच करा लिया, अब इसको B से टच कराओ, B से स्पर्श कराएंगे तो B के पास ऑलरेडी कितना चार्ज है, Q2, B के पास ऑलरेडी कितना चार्ज है, Q2, और C के पास अब 0 नहीं है चार्ज, क्योंकि अब इससे टच हो गया तो इस पर कुछ आवेश आ गया है, तो इसके पास कितना आवेश है, ये C है, इसके पास है Q1 बाई 2। जैसे इनको अलग अलग करेंगे तो इनके पास कितना कितना आवेश आ जाएगा, ये A है और ये C है, सॉरी B और C हैं, तो देखो कितना आवेश आएगा, Q2 प्लस Q1 बटे 2, और इसका आधा आधा हो जाएगा, मतलब हाफ इतना हो जाएगा। अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका LCM ले लेना, तो ये हो जाएगा 2Q2 प्लस Q1 बटे 4, इतना आ जाएगा। तो अब जो B और C हैं, इन दोनों पे कितना कितना आवेश आ चुका है, दोनों पे आवेश आ चुका है 2Q2 प्लस Q1 बाई 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे जो आवेश आया ना, इससे मतलब है हमको, तो 2Q2 प्लस Q1 बाई 4 इतना आवेश इस पे आ गया, और सेम आवेश ही इस पे आएगा। अब वो कह रहा है कि अब यदि A और B को वापस 1 मीटर दूरी पर रखें, B को, ये A है ये B है, इनके बीच की दूरी फिर से 1 मीटर हो, तो इस पे आवेश कितना फाइनली, Q1 बाई 2, इस पे आवेश कितना, 2Q2 प्लस Q1 बाई 4। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो लगेगा 0.63 न्यूटन, इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा, और ये हमको कैलकुलेशन करनी है, करो इसकी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना यहीं पे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स F2 बराबर 0.63 बराबर के Q1 की जगह पे तो कितना आएगा, QA इंटू QB अपॉन में 1 का स्क्वायर R स्क्वायर। QA की जगह पे तो क्या लिखेंगे, Q1 बाई 2, और QB की जगह कितना लिखेंगे, ये वाला 2Q2 प्लस Q1 बाई 4। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो, सबसे पहले तो इधर कर देता हूँ, 0.63 देखो 0.63 बराबर इनका आपस में गुणा कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका अंदर गुणा होगा, ये 4 × 2 = 8 हो गया, K बाई 8 इंटू Q1 का अंदर गुणा कर दो, 4 × 2 = 8 के, ये तो बाहर आ गया, तो ये कितना 2Q1 Q2 और प्लस 2Q1 Q2 प्लस Q1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर
Q1 इंटू Q2 का मान हमारे पास ऑलरेडी है, ये मान उठा के वहाँ पर लिख दो तो क्या आ जाएगा, 0.63 बराबर KY8 इंटू 2 इंटू Q1 इंटू Q2 कितना है, Q1 इंटू Q2 8 इंटू 10 की पावर -11, तो यहाँ पर 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -11 ये आ गया, और प्लस में क्या चल रहा है, Q1 का स्क्वायर। ठीक, एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतार लो। स्टेप वन को मैं मिटा रहा हूँ जिससे कि उधर जगह का मैं इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 0.63 तो यहाँ पर लिख देंगे 0.63 बराबर KY8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -11 प्लस Q1 का स्क्वायर। सबसे पहले K के मान का गुणा करते हुए इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 8 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.63 इंटू 8 वाई के, K को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, बराबर 16 इंटू 10 की पावर -11 और प्लस Q1 का स्क्वायर। देखो K क्या मान रखो यहाँ पे, 0.63 इंटू 8 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर 16 इंटू 10 की पावर -11 प्लस Q1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको काटो तो ये कितनी बार कटेगा, 0.07 इंटू 8 बटे में 10 की पावर 9 बराबर 16 इंटू 10 की पावर -11 प्लस Q1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 856 इंटू 10 की घात -11। 11 कैसे आया, देखो 9 तो है ही, ये दो पॉइंट ये भी मैंने रिमूव कर दिए तो -11 बराबर 16 इंटू 10 की पावर -11 प्लस Q1 का स्क्वायर। ये इधर आएगा तो Q1 का स्क्वायर बराबर 56 -16 इंटू 10 की घात -11। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये। तो Q1 बराबर यहाँ पे इसमें से घट गया तो क्या बचा, 40 इंटू 10 की घात -11, बोलो यही बचा क्या, 40 इंटू 10 की घात -11। Q1 बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 4 इंटू 10 की घात -10 लिख लो, 4 इंटू 10 की घात -10 इसका अंडर रूट लो तो Q1 बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। ये तो Q1 का मान निकल गया। Q2 निकालना है तो Q1 ऑलरेडी निकल चुका है और Q2 हमको निकालना है तो कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। जैसे देखो समीकरण एक क्या था, Q1 इंटू Q2 बराबर 8 इंटू 10 की पावर -11 तो यहाँ पे रखेंगे तो Q2 बराबर 8 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन में Q1 Q1 का मान 8 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन में Q1 का मान कितना, 2 इंटू 10 की पावर -5 सॉल्व कर लो। Q2 बराबर ये से कट जाएगा 4 इंटू 10 की घात -6 4 इंटू 10 की घात -6 कूलाम, ये Q2 का मान आ गया। अगर मान के चलो ऐसा कोई सवाल ऑप्शनल आता है ऑप्शन के हिसाब से और उसके ऑप्शन ऐसे आ जाएं, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 20 इंटू 10 की घात -6 कूलाम, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 20 माइक्रो कूलाम, और इसको क्या लिख सकता हूँ 4 माइक्रो कूलाम। अगर ऑप्शन ऐसे आए कि 20 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम तो तुमको ये टिक करने और इसको इसमें हम बदल सकते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल पढ़ें। अब की बार देखो ये पिछले जैसा ही सवाल है,
और जिसको कि मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इक्वेशन निकलवा के छोड़ दूंगा, आंसर निकालना तुम्हारा काम है, आंसर बता दूंगा। पहले भी दो गोले थे, अब की बार भी दो गोले, पहले भी तीसरे गोले को पहले ए से फिर बी से टच किया, लेकिन पहले और अब में अंतर यह है, पहले दोनों बार पहले भी प्रतिकर्षण होता है और दोबारा में भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन इसमें पहली स्थिति में तो हो रहा है आकर्षण और दूसरी स्थिति में हो रहा है प्रतिकर्षण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले आकर्षण हो रहा है, सवाल पढ़ो, ए तथा बी दो धातु के गोलों को एक मीटर दूरी पर रखने पर इनके मध्य इतने न्यूटन आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है कितना लगता है वो तो कैलकुलेशन के मतलब की चीजें छोड़ो, बस तुम तो ये बताओ क्या लगता है आकर्षण। और आकर्षण का मतलब है कि भाई एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे कंफर्म नेगेटिव चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे क्या होगा नेगेटिव, तभी आकर्षण हो सकता है। तो ध्यान रखें स्टार्टिंग के जो आवेश है ना, एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है नेगेटिव। आगे की बात तो हम कर लेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। माना कि ए पर आवेश है प्लस क्यू वन और बी पर आवेश है माइनस क्यू टू, ऐसा मान लिया। माना कि ए पर आवेश है प्लस क्यू वन और बी पर आवेश है माइनस क्यू टू और इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, एक मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये ए गोला है, ये बी गोला है, दोनों एक मीटर दूरी पर रखे हैं और इनके बीच में बल लग रहा है, माना कि एफ वन बराबर कितना 1.152 न्यूटन। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एफ वन बराबर कितना, एफ वन की जगह तो क्या लिख देंगे, एफ वन बराबर, एफ वन का मान 1.152 बराबर के क्यू वन इंटू माइनस क्यू टू अपॉन में एक का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन में वन। अभी देखो इसको ऐसे लिख देते, यहाँ पे आ गया के माइनस के क्यू वन क्यू टू बराबर 1.152 और इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर एक। अब सुनो दूसरी स्थिति में क्या किया है, इस पे आवेश है प्लस क्यू वन और इस पे आवेश कितना है, इस पे आवेश है माइनस क्यू टू। दूसरी स्थिति में ये स्टेप फर्स्ट था, अब स्टेप सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड स्टेप में क्या किया है, ये ए गोला, इसके पास में हम लेके आए सी गोले को, ए गोले के पास में सी गोले जो कि उदासीन है, इस पे जीरो चार्ज और इस पे कितना है प्लस क्यू वन। जब इनको अलग अलग करेंगे तो इन पे आवेश हो जाएगा कितना, क्यू वन बाई टू, क्यू वन बाई टू, दोनों ही पॉजिटिव, ध्यान रखें इस चीज़ को, क्यू वन बाई टू, क्यू वन बाई टू, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो ए गोला है और ये कौन सा है सी। सेकेंड स्टेप में बी पर आवेश कितना है माइनस क्यू टू और इस पर आवेश कितना है सी पे, अभी कितना आ चुका है प्लस क्यू वन वाई टू। इन दोनों को जैसे स्पर्श करा के अलग करेंगे तो इन पर आवेश क्या होगा, दोनों गोलों में बताओगे कितना आवेश होगा इन दोनों को अलग करने पर। पहले स्पर्श कराया, चालन द्वारा आवेश एक दूसरे पर ट्रांसफर होगा और दोनों पर इक्वल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल में दोनों गोलों को समान साइज का समान धातु का माना गया है। तो इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, दोनों पे चार्ज बताओ, इस पे तो कितना है माइनस क्यू टू प्लस, इस पे कितना है प्लस क्यू वन वाई टू, क्यू वन वाई टू का हाफ, आधा आधा दोनों पे आ जाएगा, तो कितना आया माइनस टू क्यू टू प्लस क्यू वन वाई फोर, ये चार्ज आ जाएगा। पिछले सवाल में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था और इसमें क्या है यहाँ पे माइनस। अब बाकी कैलकुलेशन, अब देखो दोनों को वापस रखते हैं तो F2 बराबर कितना है, F2 बराबर 0.864 बराबर कितना के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन, क्यू वन मतलब क्यू ए, क्यू ए बराबर कितना है ए पे फाइनल चार्ज क्यू वन बाई टू, तो के क्यू वन बाई टू और फाइनल चार्ज बी पे फाइनल चार्ज कितना है ये वाला, कितना माइनस टू क्यू टू प्लस क्यू वन वाई फोर, इन दोनों का गुणा करके आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट में से क्यू वन क्यू टू का मान निकाल लेना और इक्वेशन सेकंड को हल करेंगे तो वो पहले जैसी स्थिति आएगी, बस प्लस की जगह माइनस है, उसमें रख देना और इनके दोनों के आंसर बताना।
निकालना, पहले तो दोनों के आंसर मैं बता देता हूँ, फिर निकाल के मुझे बताना कमेंट करके कि तुम्हारा आंसर आया या नहीं। देखो इसमें Q1 बराबर तो आएगा 32 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर आएगा -4 माइक्रो कूलाम। ये इसके जवाब हैं, सॉल्व तुमको करना है और सॉल्व करके मुझे बताना कि तुम्हारे ये आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आए तो अगली किसी वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देखो सबसे पहले तो इस सवाल में हमको दो किसी आवेश कैपिटल क्यू को माना Q1 व Q2 दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब एक चार्ज है कोई कैपिटल क्यू, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक तो है Q1 और दूसरा है Q2। तो देखो एक Q1 है और दूसरा है Q2। अब इस सवाल को समझना कि यहाँ अगर ऐसा है तो कैपिटल क्यू बराबर होगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि कैपिटल क्यू को ही तो हमने इन दोनों में डिवाइड किया है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, माना कि Q1 को तो क्यू मान लेता हूँ, तो Q2 यहाँ Q1 बराबर है स्मॉल क्यू, देन Q2 बराबर कितना आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। कैसे आया ये देखो, ये Q2 है, इसको मैं Q1 को ट्रांसफ़र करके इधर ले आया तो कैपिटल क्यू माइनस Q1 आ जाएगा, और Q1 की वैल्यू कितनी है स्मॉल क्यू। ठीक है, अब देखो तो एक चार्ज तो हो गया स्मॉल क्यू, दूसरा हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, डिस्टेंस इनके बीच की कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चार्ज हैं, एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। Q1 की वैल्यू हमने मानी है स्मॉल क्यू और Q2 की वैल्यू मानी है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं R मान लेता हूँ। ठीक है, देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके बीच का फोर्स निकालेंगे। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में स्मॉल R स्क्वायर। Q1 का और Q2 का मान लिखो, तो Q1 का मान Q और Q2 का मान कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q अपॉन में कितना आ जाएगा R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जो फोर्स की वैल्यू है, यहाँ पे डिस्टेंस को फिक्स कर लो, डिस्टेंस एक बार हमने डिस्टेंस ले ली, अब इसको चेंज नहीं करना और फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। K ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस को भी हमने कॉन्स्टेंट मान लिया R को, अब बचा कौन, कैपिटल Q ऑलरेडी कॉन्स्टेंट था, टोटल चार्ज तो कॉन्स्टेंट है। अब एक ही चीज़ ऐसी बचती है कि जिस पर फोर्स डिपेंड करेगा और वो है स्मॉल क्यू। तो देखो यहाँ एफ का मान केवल स्मॉल क्यू पर निर्भर करेगा, स्मॉल क्यू पे ही डिपेंड्स है ये। ठीक है, अब मान के चलो जैसे कि देखो 12th क्लास में एक मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ठ निम्निष्ठ के नाम से एक चैप्टर आएगा मैथ्स के अंदर, उसमें यह पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है y बराबर fx, ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर मुझे y बराबर y मैक्सिमम लाना है, अगर y बराबर क्या लाना है y मैक्सिमम, तो ऐसी स्थिति में dy अपॉन dx बराबर 0 कर देंगे तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी ना वो y बराबर मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। ऐसे करके उसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसा आएगा मैक्सिमम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का काम तो कौन कर रहा है f, जिसको हमको मैक्सिमम लाना है, और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे स्मॉल q। तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण एक का, जैसे y अधिकतम निकालना है तो किस पे डिपेंड कर रहा है y, x पे, तो x के सापेक्ष अवकलन क्या है, और यहाँ पे f का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q। तो देखो समीकरण एक का स्मॉल q के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q, तो इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एफ मैक्सिमम अपॉन में डी क्यू बराबर
इधर वाले का डिफ्रेंशिएशन करो d अपॉन में डी क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k q कैपिटल q माइनस स्मॉल q अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर बराबर जीरो। क्योंकि देखो वापस एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर कोई y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है मतलब f की वैल्यू डिपेंड कर रही है स्मॉल q पर, तो अगर मैं y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम कंडीशन है, अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है तो y का x के सापेक्ष अवकलन जीरो आएगा उस स्थिति में, तो यहाँ पे f मैक्सिमम बराबर जीरो आ गया। अब सुनो, यहाँ से कांस्टेंट पद को अलग कर लो, तो d अपॉन में डी क्यू, और यहाँ पे जो कांस्टेंट बाहर ले रहा हूँ पहले तो मैं इसमें से कांस्टेंट बाहर लो, k अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल Q कांस्टेंट है क्या? है तो सही, लेकिन इसमें स्मॉल q का इंटू हो जाएगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। d अपॉन में डी क्यू, और ब्रैकेट में क्या बचा? देखो ब्रैकेट में स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रही है? जीरो। ये कांस्टेंट है, जीरो में चला जाएगा। देखो k यहाँ पे जाएगा नीचे तो जीरो जीरो हो जाएगा, और आर स्क्वायर ऊपर गुणा होकर पूरा जीरो हो जाएगा। फाइनली क्या आया? डी अपॉन में डी क्यू और स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर स्मॉल बराबर जीरो। देखो डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट है और क्यू का डिफ्रेंशिएशन वन होता है विद रेस्पेक्ट टू क्यू माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो टू स्मॉल क्यू बराबर में क्या आ जाएगी? जीरो। यहाँ से इसका ट्रांसफर करके उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाई टू। मतलब कुछ समझे? चलो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अभी निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो क्यू हमने किसको माना था? क्यू वन को, और क्यू टू कितना हो गया था? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम लिख देते हैं क्यू वन, क्यू वन बराबर कितना आ गया? आंसर हमारा यहीं पे निकल गया। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्यों कैसे उसको आधा करने से क्या होगा। सुनो, स्मॉल क्यू बराबर क्यू वन बराबर आ जाएगा कैपिटल क्यू बाई टू, तो स्मॉल क्यू टू बराबर कितना आएगा? भाई एक q बाई टू है तो दूसरा भी q बाई टू होगा, क्योंकि q1 प्लस q2 बराबर कैपिटल Q, ये q बाई टू है तो इसको इधर ला के माइनस करोगे तो कैपिटल Q में से q बाई टू जाएगा तो q बाई टू। यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा? कैपिटल Q बाई टू। ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर हम किसी बड़े कैपिटल Q चार्ज को सेम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फोर्स मैक्सिमम होगा, अगर सेम में ना करें मतलब उसके आधे आधे में ना करें तो मैक्सिमम नहीं होगा। देखो अगर इनके बीच में r डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा, जिसको मैं F1 मान लेता हूँ, F1 बराबर कितना? k q बाई टू इंटू क्यू बाई टू अपॉन में r स्क्वायर। कितना आ गया है? गुणा करो इसका, k q स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर। अभी इस कंडीशन में इतना फोर्स लग रहा है। अब मैं और कोई कंडीशन ले लेता हूँ, जैसे कि देखो अगर हमने इनको सेम डिस्ट्रीब्यूट ना करके ऐसे किया होता कि Q1 बराबर था Q बाई फोर और Q2 बराबर हम लेते 3Q बाई फोर, ऐसा हम ले लेते तो कितना फोर्स लगता देखते हैं। अभी F2 बराबर K Q1 की वैल्यू Q बाई फोर, Q2 की वैल्यू 3Q बाई फोर बाई आर स्क्वायर। तो देखो F2 बराबर कितना आया? K Q स्क्वायर 3k q स्क्वायर अपॉन 16 r स्क्वायर। अब देखो खुद ही तुम पता लगाओ कि f1 और f2 f2 में से कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा है, f1 ज़्यादा है या f2। तो यहाँ पे f1 इज ग्रेटर देन है f2 से, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है और ये वाला फोर्स कैसा है? कम। तो कुल मिला के अगर मैक्सिमम फोर्स, अब तुम और कोई तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना इनको, अगर और कोई तुम तरीका लगाना चाहो, हर कंडीशन में जो फोर्स आएगा ना इससे कम आएगा, हर कंडीशन में फोर्स इससे कैसा आएगा? कम। इसका मतलब ये हुआ
कि मैक्सिमम फोर्स अगर दो चार्जेस के बीच लाना है जो चार्ज किसी बड़े चार्ज में से बनाए गए हैं तो सेम बनाने पड़ेंगे, मतलब बड़े चार्ज को आधा आधा करके दो चार्ज हमको बनाने पड़ेंगे तभी फोर्स मैक्सिमम आएगा, अदरवाइज कभी भी फोर्स मैक्सिमम नहीं आएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल कुछ एडवांस न्यूमेरिकल के साथ।